अच्छा मैं वो कमल अफ्ताब की वीडियो होती है ना, लोग खोए हुए होते हैं जी, देख रहे होते हैं मैं लड़की है साथ, जब मैं आ तो वो कहते हैं लो ये नंबर रोला हो गया जी, और साथ ही जब मैं आ जाता हूँ वो फिर कहते हैं क्या फायदा, पूरी वीडियो खराब हो गई है। Assalamualaikum, सजनों तो बेलियो, मित्रों तो सहेलियो, कैसी हो? मैं फिर आ गया, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो काफी नहीं, वैसे इन्हें भी नहीं, तो काफी दिन से टिकटॉक पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, पर मेरे डीएम में कमेंट्स में इधर उधर इतने सारे कमेंट्स का एक सलाब आया हुआ था ना कि टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर आया है उस पे वीडियो बनाओ। तो टिकटॉक पे वीडियो बनाने का दिल तो मेरा अब भी नहीं कर रहा, पर सोचा कि अगर मैंने वीडियो ना बनाई तो मेरी जनता मुझसे नालाज हो जाएगी और मेरा शेर मुंह भी पाड़ देना इन्होंने जी। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो डोंट टेक इट सीरियस, आई डोंट वांट टू स्प्रेड हेट और डिफेम, दिस इज अ फनी वीडियो, तो मजाक समझ के ही देखना। दिल गुर्दे फेफड़े में लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कीबोर्ड में जहाज बनने की जरूरत है, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो इन्हू लाहौर ले जाओ। तो जनाब हाथ मुंह धो के टाई शाई लगा के कंगी शंगी वाह के सोने मोने बन के वीडियो शुरू करते हैं। ओके, चलाओ भी चलाओ, दिखाओ जरा केड़ा प्राइम मिनिस्टर आया टिकटॉक पे। प्राइम मिनिस्टर हाजिर हो। यार प्राइम मिनिस्टर दिखाओ, एक ही टीबी का मरीज दिखाई जाने, प्राइम मिनिस्टर दिखाओ, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हाजिर हो। तू छित्र खा के मुड़ना है, हैं? चल दिखाओ, इधर मर, साढ़े घर मेहमान आ रहे, तू मुंह चुके आ जाना। यार फिर वही गल, एक ही बकवास है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर दिखाओ और तुम मुझे कांटी की शक्ल जैसी कोई चीज दिखाई जा रहे हो। Don't try to be funny with me, हम कह रहे हैं आपका। अब सीरियस यार, ओके, मजाक नहीं, प्राइम मिनिस्टर दिखाओ अगर दिखाना है तो। प्राइम मिनिस्टर हाजिर हो। बस कर दे, बस कर दे, यही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक, टिकटॉक, टिकटॉक। बस ठीक हो गया, कर लिया कमाइयां ते कर लिया तरक्कियां, एहो जे प्राइम मिनिस्टर होन ते आवाम भुखी मरेगी। टिकटॉक के ना दो बंदों की मुझे समझ नहीं आती, बाकी तो चलो अपने ठुमकों के बलबूते पे ऊपर आए हैं ना, पर टिकटॉक पे दो बंदे ऐसे हैं ना, ना उनका सोरे ना स्वाद, मतलब ना दूध ना दही, नेरा यही यही यही, बस ऐवें धक्के से ही मशहूर हुए हैं टिकटॉक पे। एक तो वो है अली हैदराबादी जो अपनी हर वीडियो में चलता ही रहता है, पता नहीं उसने नवे बूट ले लिए, उसके रनिंग पूरी कर रहा है, और ऐसे 56 किलोमीटर उसने सफर तय कर लिया है, पोरा जी ने इसकी जान रह गई है बाकी, और पाया पाया की इसकी टांगे हैं वो भी नंगी करके फिरता रहता है, और इस 56 किलोमीटर के सफर में इसने 4 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स कर लिए हैं। और दूसरा ये बंदा है बुशमुआ जिसके सिर्फ 2-3 डायलॉग्स हैं और वही मारता रहता है, गुड हो गया जी, शुगर मेला लगाए रखो, और ऐसे ही लगे रहे तो करोड़पति बन जाओगे एक दिन। मुझे समझ नहीं आता इसे प्राइम मिनिस्टर बना किसने दिया, इसे वोट किसने दिया है? सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि इसे नदीम नानी वाला ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। लाओ दसो यार उस बंदे की, मान ली जिसे कोई शापर डबल करके नहीं देता, हर दूसरे बंदे को चैलेंज कर रहा होता है कि अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, तुम्हें एयरपोर्ट्स दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। यार की मतलब तुम्हारा चर्च का कारोबार है, इन्ने आईफोन कितों ले जांदे हो? लगे हाथ एक चैलेंज प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया, चेक करो जरा। मैं ये चैलेंज देने लगा हूँ टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर को, जिसको सिर्फ ना टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है बल्कि उसको नासा वाली सरकार भी कहा जाता है। अच्छा वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बेसी ये नहीं हो गई, नासा वाली सरकार ही कह दिया आपको, वैसे जैसी आपकी नासे है ना बाहर के मुल्क में ऐसी टनल्स होती हैं। चलो इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ, क्योंकि उसका आज का जो डायलॉग है बहुत अच्छी वीडियो बनी है जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अगर ये बंदा अच्छी सी कटिंग करा के अच्छी वीडियो बना डाले तो पाकिस्तान में आकर सबसे मेरा पहला जो डिनर होगा वो काशिफ खान के साथ होगा, तो काशिफ खान ठीक है जी, गुड हो गया। ये तो बाद में इसने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर ये कटिंग इसलिए नहीं करवाता कि अगर इसने कटिंग करवा ली तो चूसी अंबी जैसा मुंह निकल आना है इसका, सारा वजन तो इसके बालों का ही है, इसके घर वाले इसी दुख से तेज पंखा नहीं चलाते कि कहीं उड़ी ना जाए,
बाहर अगर कहीं आंधी आ जाए तो इसे पिछले कमरे में पीटी में बंद कर देते हैं कि जब आंधी खत्म होगी तो इसे बाहर निकाल लेंगे, ऐवे कहीं नेहरी में शापर की तरह ओढ़ी न जाए जी। उसके बाद तुम्हें पता है इसका हलफ भी उठवाया गया था। ये हलफ काशिफ साहब ने पहली दफा उठाया था, वरना पहले तो कभी किसी की साइकिल उठा ली, कभी किसी की मुर्गी उठा ली, कभी किसी की बिरयानी की प्लेट में से बोटी उठा ली, बस यही काम था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक काशिफ खान तशरीफ ला रहे हैं। मैं काशिफ खान, टिकटॉक पे प्राइम मिनिस्टर का आजाद हासिल हुआ है, वो भी नदीम नानी वाले भाई ने हमें टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर बनाया है और आज मैं हलफ उठाने आया हूँ। सबसे पहले इस भाई की नाक देखो, कितनी तिखी है उसके, चाहे चोंजी मार के उसका सिर पाड़ दे। और इस भाई का तन बदन चेक करो, कितना काला हुआ पड़ा है, पता नहीं पुनिया छलियां बेचता है ये। काशिफ साहब आपकी रिहाया में दो लड़कियां हैं, अरीका हक और मिनाहिल मलिक, इनसे मशवरा करके कोई करीम लेके इसे अनायत फरमाई जाए। मैं काशिफ भाई को अलग उठवा रहा हूँ जी। मैं काशिफ खान ये हलफ उठाता हूँ, मैं अपनी नासा छोटियाँ करवाने के लिए मजदूर लगवाऊंगा। मैं काशिफ खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक कि जैसे ही पैसे आते हैं मैं इस पिछले भाई की आधी नाक कटवा दूंगा, क्योंकि ये हद से तजावुज कर गई है। नहीं नहीं यार, अब देखो असली वाला, देखो सीरियस के आज के बाद टिकटॉक पर किसी के साथ किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी। वैसे यार अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो तो उसे तो ये करना होता है कि वो जो भी मुल्क के मसाइल होते हैं उसे हल करवाता है। मसलन सड़क ठीक करवा दी, सुई गैस का अगर कोई रोला चल रहा है तो उसे ठीक करवा दिया, अगर कोई पानी का मसाइल है तो उसे ठीक करवाना होता है, जो के हल नहीं करवा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, इनके मसाइल कैसे होंगे कि मैं ढूंके लगाते हुए गिर गई थी, मुझे मरहम पट्टी के लिए पैसे दिए जाएं, हमारी रिंग लाइट खराब हो गई है, काइंडली उसकी तारें पवा के दी जाएं, अरीका और मिनाहिल के ये मसले होंगे कि हमारा मेकअप खत्म हो गया है, हमें मेकअप मुहैया किया जाए ताकि हम बेफिक्र होकर टिकटॉक पे चांदनी फैला सकें, क्योंकि मेकअप ना हो तो हमें खुद ग्रहण लगा होता है, हमने चांदनी कैसे फैलानी है जी। अच्छा प्राइम मिनिस्टर मतलब काशिफ भाई को कवल आफ्ताब बहुत अच्छी लगती है, ज्यादातर इन्हीं की वीडियो पर रिएक्शन दिए होते हैं, चेक करो जरा। जी बहुत प्यारी लग रही हूँ, एक्टिंग की क्वीन हो यार, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहो, शुगल मिलेगा शुगल मिला, काम का काम हो जाएगा, गुड हो गया यार, बहुत अच्छी कवल आफ्ताब। सिर्फ एक वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारे पास रुपट्टा होता है, जिनके पास रुपट्टा नहीं होता उनकी मैंने मत बजा के रखी हुई है, जब तक तुम अच्छी वीडियो बना रही हो तुम्हारा साथ। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है पर बातें कभी वापस नहीं आती। सलवार कमीज में ना आप ज्यादा अच्छी लगती है, डिसेंट सी वीडियो जो थी आप बनाती है, दुपट्टा होता है आज तो आपने भी अखीर कर दिया, चले आपकी मर्जी। मेरी ये बात कह रहे हैं, मुझे ये बताया दानिया ने मुझे कहा कि कल रापता करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आजकल काफी छाए हुए हैं और गुड हो गया, तो हमने कहा कि अपनी जिंदगी में भी कुछ गुड हो गया लाना चाहिए, क्योंकि शुगर का शुगर काम का काम, तो मैंने कर दिया इनको मैसेज, मोहतरम साहब ने मुझे पहले ही मैसेज किए थे। अब मजे की बात ये है, मैसेज करके आपने डिलीट क्यों किया? वो असल में मेरा जो इंस्टा वो दूसरे भाई यूज करते हैं, वो सबसे रापता हो गया, फिर गुड हो गया। गुड हो गया जी, गुड हो गया। ऐसे बंदे होते हैं जो कॉल पैकेज कर लेते हैं और रैंडम नंबर्स पे कॉल करके लड़कियों को तंग करते हैं, जब दो घंटे बाद उनके बंदे की या उनके भाई की कॉल आती है तो उन्हें कहते हैं कि छोटे भाई के पास फोन था तो मैं उसे समझाता हूँ, माफ कीजिएगा इग्नोर कीजिएगा। इससे आगे दलील सुनो जरा, मैंने आपसे रब्ता जब किया, जब नदीम भाई ने कहा था कि कमल मैडम से रब्ता करें तो मैंने आपको जब मैसेज स्टार्ट, मतलब वैसे भी आपने करना था? नहीं वैसे नहीं करना। म्यूजिक ये तो चलो शुगल मेला हो गया, पर एक अच्छी बात लगी मुझे काशिफ खान की, ये भी हमारी पार्टी से ही है, मतलब ये भी सबको ठीक करना चाहता है, सबको पुट्टी पुट्टी हरकतों से हटाना चाहता है, कोई भी टिकटॉक पे अगर पुट्टी सीधी हरकत करके कोई भी वीडियो बनाता है तो उसी प्लेटफॉर्म पे उसकी वीडियो का रिप्लाई करके उसकी चंगी बिजती करता है और एंड में कहता है कि मैं मंड के रखसा। वैसे ये मंड के रखसा क्या होता है मुझे कमेंट करके लास्ट में बताना।
बाकी सारे रंग फिक्के फिक्के लग दे। काफी संगी आखे जी रिका अगना फिर मान लो इसकी भी मन सा अच्छा तू मर्दाना सूट तो पानी इस ना दुपट्टा नहीं होना ख्याल कर दुपट्टा शुपट्टा पाप इस्लामी कंट्री है नहीं तो तन भी मंड के रख दे सा। आहा ग्रेट हो गया गुड हो गया मंड के रख सी। अच्छा वो बात सही कर रहा है पहले तो ये होता था ना कि अम्मी की कमीज और अब्बू की पैंट पहनी होती थी और अगर पूछो कि ये क्या है तो कहते थे कि मम्मी डैडी फैशन किए हुए है और अब ये वक्री बगैरती शुरू हो गई है लड़कियां मर्दों के कपड़े पहन के मैदान में आ गई है। इस वीडियो को भी देख लेना आधे से ज्यादा रिका के फैंस ने डिसलाइक किया होगा पर ये नहीं देखने कि कोई बंदा बात सही कर रहा है या नहीं ऐवे मुंह चोक के कमेंट करने होते हैं। ओए तेनू की पीड़ पेंदी वा वो जो करना चाहती वो करे तेरे प्यो दी टिकटॉक आ दे शर्म शर्म करो शर्म। पाए तुसा नर्सा वाले कपड़े हैं ते कम तुसा ब्यूटीशियन वाला कर रहे हो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री खुदा दी कसम सही करके मनसा सर तेरे पट्टे रख के फिरया करो थोड़ी कदर करो पाकिस्तान नी। नर्सा वाले कपड़े अच्छा आजकल जो टिकटॉक पे चल रहा है ना वो यही दो चार चीजें हैं यहाँ तो कोई अपनी गड्डियां कारें दिखा रहा है या कोई अपने घर दिखा रहा है या कोई ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके प्रमोशन करवा रहा है या कोई ऐसे ही अपने बाल सीधे पदरे करवा रहा है। दो बहनों में बड़ी वाली हमेशा छोटी और छोटी वाली हमेशा बड़ी। इंसान दी बच्चियां बन जो पर्दे च वीडियो बनाओ थोड़ा इस्लामी कंट्री ख्याल करो नहीं तो दोनों की मनसा निकी या वड्डी जेड़ी भी है मैं मान दे सही करके शर्म करो। ये देखो एक तो होता है ना ट्विन सिस्टर्स ये मुलायजा फरमाओ तुम तीली सिस्टर्स और काशिफ साहब ने ये कहा है कि पर्दे में वीडियो बनाओ प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें जरा सही से बताओ उन्होंने पर्दे में जाके फिर ऐसी ही वीडियो बनाने शुरू हो जाना है जरा उन्हें क्लियर करके बताओ। बाजार से अगर दही लेके आओ ना और उसे बर्तन में डाल लो और उसके बाद अगर शापर को निचोड़ लो और जैसा वो शापर होता है ना तो उस शापर जैसी सेहत है इन दोनों की और काम चेक कर लो। जो पाकिस्तान गंद फैलाया ना तुसा दोवों की बंदा पेट्रोल पा के अग ला देवे इंसानियत करो एक जड़ी जाली शाह जड़ी बननी है ना इसकी सही करके मरना पैसे। वाह 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 गुड हो गया काशिफ साहब गुड हो गया मैं कहना गुड हो गया मांड के रख सू इन्हों इन्होंने वैसे तो बाज आना नहीं है पर आपके समझाने से एक अद्धी भी समझ गई ना तो काम का काम हो जाना है और जन्नती का जन्नती। पहला बंदा देखा है जो टिकटॉक पे सही बात करता है जिसे फेमस होकर भी इस्लाम याद है वरना तो टिकटॉक पे कई ऐसे मौलवी भी हैं जो बस छोड़ दियो रहने दियो। इस प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर वोटिंग होती है ना तो मेरा वोट इसी को है तो हाँ जी फिर गुड हो गया कैसी लगी वीडियो यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे शुगर मेला काम का काम हो गया लगाए रखो शुगर मेला। लो जी वीडियो तो पास हो गई है आप भी कमेंट करके लाजमी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है और ये भी बताना कि गुड हो गया कि नहीं और अगर ज्यादा वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और अगर उससे भी ज्यादा वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करो और अगर उससे भी ज्यादा अच्छी लगी है तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो करो और अगर उससे भी ज्यादा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो शुक्रिया मोहब्बतों का चाहतों का काबतों का शुक्रिया प्यार का इजहार का इकरार का आपकी सपोर्ट का और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया मुफ्तों का चाहतों का रकाबतों का शुक्रिया प्यार का इजहार का इकरार का आपके और आपके घर बार का।